छत्तीसगढ़ व्यापा में आप सभी को बताना चाहता हूं कि सहकारी बैंकों में जो है भर्ती के लिए फॉर्म भरना जो है स्टार्ट हो चुका है, शुरू हो चुका है। जी हाँ, और अगर हम पोस्ट की बात करें तो 398 पोस्ट जो है छत्तीसगढ़ में सीजी व्यापा में जो है सहकारी बैंकों में जो है भर्ती निकल कर आया है। और दोनों ही पोस्ट के लिए जो है किस तरह से आप आवेदन कर सकते हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स का डाउट होगा कि दोनों के लिए जो है एक ही फॉर्म फिलअप करना है या फिर अलग अलग करना है। दोनों पोस्ट का पूरा सिलेबस बताऊँगा। और 398 पोस्ट है, और 398 पोस्ट कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है। आपका सिलेक्शन जो है किस तरह से हो पाएगा, कितने नंबर आपको लाने हैं जिससे कि आपका सिलेक्शन होगा, और इसमें बहुत से स्टूडेंट का कुछ डाउट्स है। नोटिफिकेशन में दिया गया है कि सिर्फ आवेदन जो है व्यापम जो सहकारी बैंकों में 398 पोस्ट हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ जो आपके जो है PGDCA वाले हैं, जी हाँ, जो PGDCA वाले हैं वही इसके लिए जो है आवेदन कर सकते हैं, ऐसा उसमें जो है मेंशन किया गया है। लेकिन अब बहुत से स्टूडेंट्स ये बोल रहे हैं कि हमारे पास भी कंप्यूटर्स का डिप्लोमा है तो क्या DCA वाले आवेदन कर सकते हैं या फिर नहीं, या फिर जिन्होंने BCA किया है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन, या फिर ITI कोपा किया है, या फिर बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने अगर कंप्यूटर साइंस किया है तो वही स्टूडेंट इसके लिए आवेदन कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। बहुत से स्टूडेंट का ये भी क्वेश्चन जो है, प्रश्न जो है माइंड में चल रहा होगा। और ग्रेजुएशन में स्नातक में जो है 50% कहा गया है कि आपका जो है ग्रेजुएशन में स्नातक में आपका जो है 50% 50% अंक आपका होना चाहिए, तो 50% अंक वाले ही स्टूडेंट आवेदन कर सकते हैं। तो क्या अगर आपका 50% नहीं है ग्रेजुएशन पे, अगर आपका बाई चांस अगर 48 है या 49 है, तो क्या आप आवेदन कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे? हर एक जानकारी, आपके जितने भी क्वेश्चंस दिमाग में चल रहा है सभी क्वेश्चंस का आंसर इस एक ही वीडियो में आपको मिलेगा, तो लास्ट तक वीडियोस को जो है ज़रूर देखना। तो आप लोग देख सकते हैं छत्तीसगढ़ में जो है काफ़ी महत्वपूर्ण जो है व्यापम में जो है नोटिफिकेशन है। और देखिए व्यापम के द्वारा जितने भी नोटिफिकेशन अपडेट्स आते हैं, जितने भी नए प्रेस विज्ञापन जारी होते हैं, उनमें से हर एक भर्ती परीक्षा जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको जो है देखने को मिल देगा। तो इसमें अगर हम बात करें प्रेस विज्ञापित में 398 पोस्ट के, 398 पोस्ट में आप लोगों के लिए हैं सहायक प्रबंधक फील्ड ऑफिसर के हैं, कार्यालय सहायक के हैं, सामान्य सहायक के हैं, समिति प्रबंधक के हैं, नवीन संवर्ग के, कनिष्ठ प्रबंधक के हैं। और ऑनलाइन आवेदन की अगर हम बात करें तो 6 तारीख से आवेदन करना शुरू हो चुका है, 6 सितम्बर बुधवार से। वहीं ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की लास्ट डेट की बात करें तो 23 सितंबर रात के 11:59 तक आप आवेदन कर पाएंगे। वहीं त्रुटि सुधार की बात करें तो 24 सितंबर से लेकर जो है 26 सितंबर तक आप इसके लिए जो है आवेदन कर सकते हैं। वहीं परीक्षा की तिथि, संभावित तिथि की बात करें तो 15 अक्टूबर, जी हाँ 15 अक्टूबर, जिसमें जो डेट मेंशन किया गया है कि 15 अक्टूबर को जो आपका एग्ज़ाम्स होगा। परीक्षा का समय अगर हम बात करें तो 2 पोस्ट हैं, तो इसमें जो है सहायक प्रबंधक फील्ड ऑफिसर, कार्यालय सहायक, सामान्य सहायक, समिति प्रबंधक, नवीन संवर्ग के पूर्वाहन होगा। वहीं कनिष्ठ प्रबंधक 2, कनिष्ठ प्रबंधक संवर्ग, ट्रेजरी विशेषज्ञ, मुख्य लेखापाल, उप प्रबंधक, सहायक प्रबंधक के जो है आपके जो है अपराहन में होगा। पूर्वाहन मतलब कि सुबह, अपराहन मतलब कि दोपहर में, ये चीज़ें हैं। और जो परीक्षा केंद्र की बात करें तो 31 जिला मुख्यालयों को जो है परीक्षा केंद्र जो है बनाए गए हैं। और इसमें आवेदन करने में, जी हाँ, आवेदन करने में, ऑनलाइन आवेदन करने में, फॉर्म फिलअप करने में किसी भी तरह से आपको जो है 1 भी रुपया जो है फीस पे करना नहीं पड़ेगा, आवेदन करना बिल्कुल ही निःशुल्क है। अब बात कर लेते हैं आपके भर्ती परीक्षा के जो है सिलेबस की, तो सिलेबस जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सिलेबस बिना, देखिए बिना सिलेबस के नॉलेज के आप जो है किसी भी गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी नहीं कर सकते, एग्ज़ाम्स में आप अच्छे से नंबर जो है नहीं ला सकते। तो कार्यालय सहायक, सामान्य सहायक, सहायक प्रबंधक, फील्ड ऑफिसर, समिति प्रबंधक, नवीन संवर्ग, इसके लिए अगर हम बात करें तो एग्ज़ाम्स में कुल टोटल जो है 100 प्रश्न, कुल टोटल जो है 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कुल 100 अंकों के होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक के होंगे। एग्ज़ाम्स के लिए आपको जो है 2 घंटे का समय जो है दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान की बात करें तो इसमें आपका छत्तीसगढ़ का इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान, भूगोल, जलवायु, भौतिक दशाएं, जनगणना, पुरातात्विक एवं पर्यटन केंद्र, साहित्य, नृत्य, कला एवं संस्कृति, जनजातियां, विशेष परंपराएं, तीज एवं त्यौहार, अर्थव्यवस्था, वन एवं कृषि, प्रशासनिक ढांचा, स्थानीय शासन, पंचायती राज, उद्योग, ऊर्जा,
जल एवं खनिज संसाधन, समसामयिक घटनाएं, छत्तीसगढ़ से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण विषय, इन सभी से जानकारी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इससे 10 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे, 10 अंकों के। वहीं अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ी भाषा का ज्ञान, जिसमें आपका जनउला, मुहावरा, छत्तीसगढ़ी व्याकरण, हाना एवं लोकोक्तियाँ, ये सभी आएंगे। और आप लोगों के लिए एक भी चीज़ में और इम्पॉर्टेंट है जो जानकारी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान और छत्तीसगढ़ी भाषा का ज्ञान, इससे इसमें आपको जो है दोनों में ही 50% अंक लाना आपको अनिवार्य है। यानी कि जो 10 अंकों के छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान है, इसमें जो है 5 अंक लाना है और छत्तीसगढ़ी भाषा में भी 5 अंक, यानी कि प्लस आपको जो है 20 में से 10 मार्क्स जो आपको लाना ही लाना है। अगर आपका जो है इस 20 नंबर में 20 में से अगर आपको 10 नंबर नहीं आएगा तो आपका सिलेक्शन जो है नहीं होने वाला, आपको जो है अपात्र घोषित कर दिया जाएगा, आपको जो है डिसक्वालीफाई जो है कर दिया जाएगा। वहीं अगर हम बात करें सहकारिता अधिनियम एवं बैंकिंग संबंधी, जिसमें सहकारिता अधिनियम 1960 एवं नियम 1962, सहकारी समिति का पंजीयन, प्रदेश में त्रिस्तरीय अल्पकालीन सहकारी साख संरचना, सहकारी समितियों का प्रबंधन, सहकारी समितियों के सदस्य, उनके अधिकार, दायित्व तथा विशेषाधिकार, संपरीक्षा, जांच, निरीक्षण तथा पर्यवेक्षण, सोसाइटी का परिसमापन, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण हो गया, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 तथा सहकारी समितियों, सहकारी बैंकों पर लागू पार्ट जो है 5, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड, राज्य सहकारी बैंक एवं जिला सहकारी केंद्रीय बैंक का जो है गठन एवं संरचना, कार्यशील पूंजी, अंश पूंजी एवं देनदारी। तो ये कुल अगर हम बात करें तो आपके जो है बैंकिंग सेक्टर से, बैंकों से ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम्स में पूछे जाएंगे। और आपको जो है बैंकों के बारे में, जो है बैंकिंग के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसके लिए टेली के भी नॉलेज होना ज़रूरी है, कंप्यूटर्स के नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कंप्यूटर्स के नॉलेज भी एग्ज़ाम्स में पूछे जाएंगे। इसके साथ जो है सामान्य ज्ञान, जिसमें आपका भारत के इतिहास एवं भारत के स्वतंत्रता आंदोलन, भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, संविधान एवं राज्य व्यवस्था, मौलिक कर्तव्य एवं अधिकार, सूचना का अधिकार, भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति, भारतीय अर्थव्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, दर्शन, कला, साहित्य एवं संस्कृति, समसामयिक घटनाएं एवं खेल, पर्यावरण, वर्तमान एवं आर्थिक जो है घटनाक्रम, घटनाचक्र, समसामयिक घटनाचक्र, इन सभी चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए। और जितना ज़्यादा आपको नॉलेज होगा उतने ही ज़्यादा आपके लिए बेस्ट होगा, इससे एग्ज़ाम्स में जो है 10 अंकों के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। वहीं अगर हम बात करें आपके जो है गणित एवं तार्किक योग्यता, गणित में आपके पूरे, प्राकृतिक हो गया, पूर्ण, पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, संख्याओं का वर्ग, घन, घनमूल, घातांक, अवा, महत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक, ये सभी आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाएंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैथ्स की तैयारी करना चाहते हैं तो मैथ्स की तैयारी करने के लिए आप जो है डॉक्टर आर एस अग्रवाल का बुक ले सकते हैं। जी हाँ, यदि आप जो है गणित की तैयारी करना चाहते हैं, मैथ्स के प्रिपरेशंस करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप जो है डॉक्टर आर एस अग्रवाल का बुक ले सकते हैं। इसके साथ रीजनिंग की बात करें, सामान्य मानसिक योग्यता रीजनिंग के, तो रीजनिंग की तैयारी करने के लिए आप जो है अरिहंत का मास्टर रीजनिंग ले सकते हैं, तो रीजनिंग की तैयारी आपका जो है बहुत अच्छे से हो पाएगा। वही हिंदी भाषा का सामान्य ज्ञान, जिसमें आपके हिंदी में स्वर, व्यंजन, अक्षर, वर्तनी, संज्ञा, समास, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, इन सभी से एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है जानकारी पूछे जाते हैं। वही अंग्रेजी भाषा का ज्ञान, जिसमें आपके एग्ज़ाम्स में जो है ग्रामर्स जो है एग्ज़ाम्स में आएंगे, ग्रामर्स में एग्ज़ाम्स में आपके नाउन, प्रोनाउन, टेंस, वाइस, नरेशन, कंजक्शंस, प्रीपोजिशंस, आर्टिकल, डिग्री, क्वेश्चन टैग, वन वर्ड, सब इंस्टीट्यूशन, सब ऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट, फिनिट वर्ब, नॉन फिनिट वर्ब, प्रेसिस राइटिंग, इन सभी से क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। और इसके साथ कंप्यूटर संबंधित सामान्य ज्ञान से 15 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें कंप्यूटर्स के उपयोग क्या है, कंप्यूटर्स के प्रमुख भाग, प्रिंटर के प्रकार, ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट, इंटरनेट के उपयोग, ईमेल, डॉक्यूमेंट सर्चिंग, वेबसाइट सर्चिंग, विभिन्न विभागों के वेबसाइट की सामान्य जानकारी, इन सभी चीज़ों के बारे में नॉलेज जो है पूछे जाएंगे। तो कुल टोटल जो है 100 क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं सेकेंड जो आपके एग्ज़ाम्स होंगे उसके सिलेबस के बारे में। वही अगर हम बात करें आपके दूसरे भर्ती के, जिसमें आपका जो है कनिष्ठ प्रबंधक टू
कनिष्ठ प्रबंधक संवर्ग, मुख्य लेखापाल ट्रेजरी, विशेषज्ञ उप प्रबंधक एवं सहायक प्रबंधक पद पर जो है सीधी भर्ती। तो कुल टोटल एग्ज़ाम में 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न आपके जो है 1 अंक के होंगे और इस एग्ज़ाम्स के लिए भी आपको जो है 2 आवर 2 घंटे का समय जो है आपको जो है मिलेगा। इसमें अगर बात करें छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, जिसमें छत्तीसगढ़ के इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान, भूगोल, जलवायु, भौतिक दशाएँ, जनगणना, पुरातात्विक एवं पर्यटन केंद्र, साहित्य, नृत्य, कलम, संस्कृति, जनजातियाँ, विशेष परंपराएं, तीज एवं त्यौहार, अर्थव्यवस्था, वन एवं कृषि, प्रशासनिक ढांचा, ये सभी चीज़ें एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। साथ में छत्तीसगढ़ी भाषा ज्ञान, जनौला मुहावरा, छत्तीसगढ़ी व्याकरण, हाना एवं लोकोक्तियाँ इत्यादि। तो दोनों का सिलेबस सिमिलर है लेकिन थोड़ा सा अलग है, तो आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 398 पोस्ट पर जो है भर्ती होना है। सो आई होप वीडियोस पसंद आए हों आपको। अगर वीडियोस आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया है तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल नोटिफिकेशंस को ऑन करके रख लेना एंड वीडियोस को जो है जितना ज़्यादा हो सके शेयर करना। कोई डाउट्स हो तो कमेंट करके बताना वीडियोस आपको कैसे लगा।